थैंक यू सो मच। ग्रुप बनाओगे क्या? दो ग्रुप बनाओगे? चालू हो गया। एक मिनट इधर और एक आदमी खड़ा है ना कैमरा लेके। एक एक बूम और पकड़ यार, इतना क्या फुटेज कर रहा है। जी जी जी, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सो टेल अस अबाउट योर सॉन्ग एक्सपीरियंस। द सॉन्ग एक्सपीरियंस, द सॉन्ग क्या है कि हमने ये जो ग्रीस की जो लोकेशन है, पहली बार ये फिल्म में हमने बीच बीच लोकेशन दिखाया, मगर बीच जनरली बहुत, मतलब आप गर्मी की बात सोचते हैं मगर यहाँ पे तो बहुत ठंड थी। एंड मुझे नहीं लगा, पहली बात तो ये है कि मुझे लगा नहीं कि मैं एक रोमांटिक सॉन्ग मैं कर पाऊँगा, मगर राजीव जी ने मुझे कन्विंस किया और द कोरियोग्राफर ऑल्सो अरविंद ऑल्सो कन्विंस्ड मी कि नहीं कर पाएगा। तो मुझे अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स दिए गए, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में एक लिनन जैकेट, डार्क ग्लासेस पहन के, और मतलब वादियों में ऐसे मैं एक रोमांटिक सॉन्ग करने का मुझे मौका मिला। और फाइनली मैं कन्विंस हो गया कि एक कॉमेडी सीन नहीं कर रहा हूँ मगर एक रोमांटिक सॉन्ग करने जा रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटिफुल, थैंक्स टू वरदान फॉर कंपोजिंग एंड गिविंग अस सच अ फैबुलस सॉन्ग, एंड होपफुली लोगों को भी पसंद आए। दैट्स ऑल आवर विशेस। ओके, आई जस्ट लाइक टू से कि ये बहुत ही, आई मीन इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कुणाल सेड, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक रोमांटिक गाना है, फर्स्टली बिकॉज माई कोस्टा वॉज कुणाल, बिकॉज इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इसी वजह से सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये वहाँ पे कॉमेडी कर ही रहे थे, यू नो, लाइक मोस्टली जो भी शॉर्ट्स उन्होंने दिए, ही यूज्ड टू, यू नो, ही लाइक टू लाइक यू बी स्टैंडिंग विद लिनन जैकेट, लाइक ओ आई एम शाहरुख खान एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो। एंड जितना एक्साइटमेंट कुणाल को हुआ उस करने में, उसे देख कर देर वॉज ऑल्सो, इनफैक्ट बीच में आई थिंक कुणाल रिमेंबर दैट ये वो वहाँ पे पूरी ऐसी ग्रीक लड़कियाँ थी and Kunal was sitting on that chair with the sunglasses aur ye sab, aur kisi ne set se bata diya ye hero hai Bollywood ka, uska naam Kunal Roy Kapoor hai, to aaki sari goliyan aake Kunal Kunal is screaming and this one was blushing। क्या है कि इंडिया में जब हम सॉन्ग शूट करते हैं तो लोगों को पता रहता है कि अच्छा गाने का शूट हो रहा है, उनको पता है कि अच्छा नाच रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, मगर अब्रॉड जब करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई एलियन स्पेसशिप वहाँ पे लैंड होके कोई एलियंस देख रहे हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ एलियन का नाच चल रहा है। There were around 20-25 girls who came and they knew कि you were the hero। क्योंकि मेरे वो stunning good looks की वजह से। हाँ, सब भाग के आ गए, मतलब मैं वहाँ दूर से खड़ी हो रही हूँ, autograph sign करे, और हंस भी रहा है, he was laughing like, you know, इनको क्या बता मैं बॉम्बे में मैं comedy करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। But it was a very nice experience, like he said, बहुत ठंडी थी, beach का location था, piercing cold ice water। Like literally we're sitting and we're हम लोग गाना गा रहे हैं, lip sync कर रहे हैं, and my teeth are like नहीं, so it was like that। तो ऐसा लगा ही नहीं था romantic गाना था, पर I would really like to like say that अगर this whole thing looks as great as it is right now, it's वरदान, my choreographer अरविंद, thank you so much for doing this। I think both of us have matched each other so well in this, you know, I mean, we're looking really good in it, and he's done an amazing job. In fact, he's one of my best co-stars. So because it's such a joy to work with Kunal. You guys meet together also, I guess. I think a lot of confidence, kya hai ki an actor is always looking for new experiences also, and I think ki actors have certain comfort zones, unke khud ke comfort zones rehte hain, aur ye jo hai mere comfort zone ke bahar, definitely it's definitely outside my comfort zone, my comfort zone is a dot for this,
इट्स लाइक वे वे आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. पर क्या है कि अगर आप ये सब चीज़ें अगर आप ट्राई नहीं करें और एंड इफ यू डोंट गो इन देयर विद दैट कॉन्फिडेंस एज यू आर सेइंग यू विल नेवर लर्न एनीथिंग. तो आई थिंक कि मेरे लिए तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा है एंड होपफुली इन द फ्यूचर आई गेट टू डू मोर स्टफ लाइक दिस. बट दिस एक्सपीरियंस हैज रियली रियली हेल्प मी टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस एंड टू ब्रेक माई ओन परसेप्शन कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. तो आई थिंक फॉर मी इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड यू लाइक नाजिया लाइक राजीव लाइक अरविंद हैज ओनली मेड द एक्सपीरियंस बेटर. So I just hope for more and more such challenges in your career and this is one of them. So yeah. बहुत अच्छा लगा बिकॉज कुणाल को जैसे उन्होंने खुद कहा है कि हम सब लोगों ने कॉमेडी अवतार में देखा है और फर्स्ट टाइम उनका रोमांटिक ऑल यू नो टिपिकल बॉलीवुड एक्टर्स जो होते हैं कि जैकेट वैकेट पहन के और रोमांटिक सॉन्ग्स पे डांस करते हुए देख रहे हैं. सो ऑफकोर्स लाइक इट्स क्वाइट एक्साइटिंग फॉर आई थिंक फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर द पीपल हु वर हिज फैंस एंड पीपल हु लव हॉरर फिल्म्स दे हैव समथिंग न्यू टू वॉच. ओके सर आप क्या कहना चाहिए, आपने कब सोचा कि कुणाल सर को रोमांटिक नंबर भी करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से हीरो हीरो ही होता है चाहे कुणाल सर हो चाहे नवाजुद्दीन हो. अगर नवाज भाई कर सकते तो कुणाल भाई क्यों नहीं कर सकते. क्योंकि देखिए मेन तो है कि कुणाल भाई ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में. उनको कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए कोरियोग्राफर में प्रोड्यूसर एक्ट्रेस सब ने जो कॉन्फिडेंस दिया तो हमारे कॉन्फिडेंस को देख के उन्हें लगा कि नहीं सही में अगर ये लोग बोल रहे तो मैं कर सकता हूँ. और उन्होंने जो ट्राई किया आप देखोगे बहुत अच्छा ट्राई किया उन्होंने गाने में. ओके इसके अलावा वहाँ पर जब शूट चला तो वैसे ही फैन फॉलोइंग बहुत हो चुकी थी कुणाल सर की और कह रहे कि आने वाले ये सॉन्ग के बाद आने वाले टाइम में बहुत सारे रोमांटिक नंबर मिल सकते हैं. आई थिंक सो ऐसे ही होने चाहिए. इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही आपने सुना होगा कि लिरिक्स भी बहुत अच्छी हैं. एंड ऑफकोर्स जब ये गाना अच्छा होता है तो एज एन एक्टर आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है एंड आई एम श्योर कि ही विल गेट वेरी गुड रिव्यूज एंड पीपल विल लव हिम इन रोमांटिक अवतार अगेन. सर सही सही कहा कि ये गाना देखने के बाद कुणाल भाई वो सिर्फ ऐसे ही सॉन्ग्स मिलेंगे इसके बाद रोमांटिक ही मिलेंगे क्योंकि लोग ने कभी इन्हें ऐसे अवतार में देखा नहीं है कुणाल सर को. और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे लग रहे हैं गाने में और ख़ास करके मैं कहूँगा कि रोमांटिक गाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. कितना एंजॉय किया शूट करते? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ख़ास करके बहुत माइनस डिग्री में हमने शूटिंग किया है और माइनस डिग्री में प्लस नाजिया को भी थैंक्स बोलना पड़ेगा कि नाजिया के जो कॉस्ट्यूम्स थे वो कॉस्ट्यूम्स ऐसे थे कि ठंडी में क्या मतलब नॉर्मल भी लोग पहन के घूमे तो हवा लग जाती थी उसमें, तो वैसे कॉस्ट्यूम थे. लेकिन सबने सपोर्ट किया, हमारे टेक्नीशियंस ने आर्टिस्ट ने कोरियोग्राफर ने सबने अच्छा सपोर्ट किया गाने में और हमने बहुत मस्ती की गाने में शूट करते वक्त. और आप बाकी आप रिजल्ट आप देखेंगे सबको. और ये पूजा में लास्ट सवाल, ओनली वन लेफ्ट एज अ डेब्यू, कितना एक्साइटेड बिकॉज़ ओनली वन? आई एम वेरी एक्साइटेड बट या इट्स लाइक अ मिक्स फीलिंग जहाँ पे आपको यू नो बिकॉज अ फिल्म इज लाइक अ बेबी फॉर सो मेनी पीपल. सब लोग इतना हार्डवर्क करते हैं, इट्स लाइक अ टीम वर्क. बिहाइंड द सीन्स जो होता है लोग नॉर्मली वो नहीं देखते हैं एंड इट टेक्स ओनली वन मिनट टू से कि ओ बहुत बेकार थी या बहुत अच्छी थी. बट पीछे जो काम चलता है वो किस कंडीशंस में और कौन सी स्थिति से गुजर के लोग करते हैं वो ओनली आर्टिस्ट को और जो टेक्निकल टीम होती है डायरेक्शन टीम होती है सबको उन लोगों को ही पता होता है. सो आई हैव अ वेरी मिक्सड फीलिंग दो लाइक आई एम लिटिल बिट नर्वस एंड आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम. लोगों को बहुत पसंद आ रहा है स्पेशली गाने के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी पहले फाइनली जब बाहर आ चुका है. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पैर के बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही है नहीं पेयर तो बहुत ही खूबसूरत है. कुणाल सर और नाजिया बहुत अच्छी लग रही है एंड दे शॉट वेरी वेल. और हमें तो मेकर्स का थैंक्स करना चाहिए जो सॉन्ग्स को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हर एक सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं. बिल्कुल, दैट्स अ वेरी रेयर थिंग. और मुझे खुशी हो रही है कि यूं ही नहीं बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है सबको. बिल्कुल, तो इसीलिए कि यूं ही नहीं तो मिले मुझको द सॉन्ग. पहले तो गाना बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, कंपोज बहुत अच्छा किया है, गाया भी अच्छा ही है. बट ऐसा कहते हैं ना कि हाथ से हाथ मिलता है, तो शूट होना उसका ग्रैंड लेवल पे बहुत जरूरी था. वो शूट बहुत अच्छा किया है, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द होल टीम. एंड एज वी सेड फॉर अस इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग कि कुणाल के लिए भी ये पहला गाना है रोमांटिक स्टाइल में एंड नाजिया इज़ बी ब्यूटिफुल.
और जितना उन्होंने कहा कि फिल्म का नाम भी मुश्किल है, मुश्किलें आई भी, लेकिन कहते हैं कि जब सब करने के लिए रेडी हो जाए काम तो बहुत आसान हो जाता है. सो दैट इज़ अ मिस्का मोड. ओके सर, आपने वी शूट इट इन ग्रीस तो बट वी हैव लाइक जैसे ग्रीस नॉर्मली यू नो अबाउट बीचेस एंड ऑल स्ट्रक्चर, जो हम लोगों को वो हमने मूवी शूट की है तो उसमें वो पार्ट नहीं दिख रहा था प्रॉपर. तो इस गाने में हमने प्योर ग्रीस दिखाया है, उसके बीचेस दिखाए हैं. एंड ऑफकोर्स नाजिया इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, कुनाल इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम इन दैट एंड एवरीथिंग. आई थिंक दिस सॉन्ग कॉल परफेक्ट सॉन्ग विद द कास्टिंग वाइज, लोकेशन वाइज, लिरिक्स वाइज, म्यूजिक वाइज एंड बिहाइंड द वॉइस इज सो स्वीट वॉइस ऑफ मीनल एंड वरदान. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉन्ग लाइक यू कैन से. ओके मीनल मैम, आपको दूसरे ही अवतार में देखा है, ये सॉन्ग बहुत ही अलग रहेगा आपके लिए, सो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो था, मैं डिनाई नहीं करूँगी, बट एज आई सेड कि वरदान का जो कॉन्फिडेंस था मुझ पे और इवन अनजान सर का, क्योंकि कभी कभी आप अगर वॉइस मॉड्यूलेट भी करते हैं तो लिरिक्स एक उच्चारण कभी कभी बिगड़ जाता है, बट देवर एट इट कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है. एंड फाइनली द प्रोडक्ट केम आउट वेरी वेल. तो जो मेरा एक बोल्ड वॉइस का एक मीनल को आप उस रूप में जानते हैं तो उससे एकदम अलहदा मेरी आवाज़ लग रही है. इट्स अ वेरी थिन एंड यू नो वेरी नाइस एंड रोमांटिक वॉइस एंड दैट आई वुड से द क्रेडिट गोज टू वरदान. नो नो नो, एक्चुअली सरोज भाई, राजीव सर इंसिस्टेड मी टू कीप हर वॉइस ओनली. दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज. यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद द सॉन्ग. हाउ स्वीट. ओके, जब एक सिंगर वॉइस देता है अपना तो यू नो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मतलब उसके वॉइस को जो जो काम करने वाला है उसके वॉइस पर, तो उस एक्सपेक्टेशंस पे दोनों कितने खड़े उतर रहे हैं आप दोनों के अकॉर्डिंग? अच्छा, इस ये कंपोजिशन भी मेरी है तो मुझे पता था कि मुझे कैसे मॉड्यूलेट करना है, और मीनल की वॉइस पे एक कॉन्फिडेंस था मेरा कि मुझे कैसे ट्रीट करना है इनकी वॉइस को. तो मीनल ने बहुत ही खूबसूरत एक जस्टिफाई किया है जो मुझे बहुत बेहद पसंद आया. फिर मेरे मेकर्स को बहुत अच्छा लगा, जी ने अप्रूव किया, तो ऑल सेट. नाउ आई एम वेरी हैप्पी. And I just need your guys' support now because yes. Our job is completed now, your job is started. So please promote as much you can and I hope please. You will like it because lyrics-wise, picture-wise, everything is good. I hope you guys will also like and your viewers will also like. So please absolutely. Promote this song. Thank this you so much. This is a very, very sweet melody. जो आज कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार म्यूजिक में वो मेलेडी नहीं मज़ा आ रहा, तो मेलेडी 100% है. लिरिक्स आप सुनेंगे तो कई जगह पर किए हैं सच थे, मतलब ये वेरी 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 लेकिन रोमांटिक थॉट के साथ. इट्स अ वेरी नाइस नाइसली रिटन लिरिक्स. तो लिरिक्स 100%, कॉम्पोजिशन तो 100% है ही, गाया भी हमने 100% है, शूट भी 100% हुआ है और द हीरो हीरोइन आर लुकिंग फैंटास्टिकली ब्यूटीफुल. So I think अब बस यही है कि 100% audience से मिल जाए. Yes. And I need support of you guys. Thank you. Yep. कई जगह पे छाई चादर, कई जगह पे किए सजदे, कई दिनों तक दुआएं मांगी, कई शबों तक शबों में जागे, यूं ही नहीं तुम मिले हो मुझको, यूं ही नहीं तुम मिले. परफेक्ट सॉन्ग यूं ही नहीं मिले मुझको. अंजान सागरी साहब को भी नहीं बोलना चाहिए. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिरिक्स अंजान सागरी साहब. कीप राइटिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.